श्रोमणी अकाली दल प्रधान सुखबीर बादल दा आईजी कुंवर ते निशाना। कुंवर विजय प्रताप सिंह ते मानहानि केस दर्ज करन दी आखी गल। बरगाड़ी विखे बेअदबी कांड तो बाद बहबल कला विखे होए गोली कांड नूं लेके पंजाब सरकार वल्लों एसआईटी दा गठन किया गया सी, जिस दे मुखी आईजी कुंवर विजय प्रताप सिंह नूं बनाया गया सी। अते कुंवर विजय प्रताप सिंह वाली एसआईटी ने बेअदबी अते गोली कांड दे मामलियां दे विच श्रोमणी अकाली दल प्रधान प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल अते सुमेत सैनी समेत होर आरोपियां नूं दोषी ठहराया सी। ते हुण कुंवर विजय प्रताप सिंह दे इस बयान तों बाद श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल दे निशाने ते कुंवर विजय प्रताप सिंह आ गए। श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि ओह कोटकपुरा फायरिंग केस दे गवाह अजीत सिंह नूं कदे वी नहीं मिलिया अते ओह कुंवर विजय प्रताप सिंह वालों झूठा दावा कि गवाह नूं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी विच नौकरी देने दा वादा करके उसनूं भरमाउण दी कोशिश कीती है, इस लई ओह मानहानि दा केस करनगे। इत्थों जारी प्रेस बयान विच अकाली दल दे प्रधान ने कहा कि स्पष्ट है कि कुंवर नूं अकाली दल अते बादल परिवार नूं निशाना बनाउण दा जनून चढ़िया होया अते किसे मकसद लई उसने इह दूषणबाजी दा पत्र सूबे दे डीजीपी नूं भेज के दोष लगाए। उन्हां अगे कहा कि आईजी नूं पहलां ही हाईकोर्ट विच चल रहे कोटकपुरा फायरिंग केस दी कारवाई तों पता सी कि उसदी जांच रद्द कर दित्ती जावेगी। ताजा दूषणबाजी असल विच उसदी भारी नमोशी दा नतीजा है, जिसका मकसद कांग्रेस पार्टी दे सियासी एजेंडे अते 3 साल चलन मगरों केस दा सियासीकरण करना है। इस दौरान सुखबीर ने जोर दे के कहा कि अजीत ने स्पष्ट कर दिता कि उस ताई किसी ने भी श्रोमणी कमेटी विच नौकरी दवाउण लई पहुंच नहीं की थी, अते उसने खुद नौकरी वास्ते पहुंच की थी। उन्होंने कहा कि गवाह ने दसिया कि उसकी बेनती हाले पेंडिंग पई है अते श्रोमणी कमेटी ने उसनु नौकरी दी कोई पेशकश नहीं की। सुखबीर ने अगे कहा कि उसके वकील इस सारे केस की जांच कर रहे ताजो पता लगाया जा सके कि किते पार्टी नु बदनाम करने लई वड्डी साजिश तो नहीं रची जा रही। हुण वेखणा होवेगा कि विधानसभा चोणां तो पहला सुखबीर सिंह बादल अते श्रोमणी अकाली दल पार्टी ते लगे दोष सुखबीर सिंह बादल हटा पाउणगे जां फिर नहीं, इह तां आउण वाला समां ही दसेगा। होर अपडेट्स लई जुड़े रहो चढ़दी कला टाइम टीवी दे नाल।